नमस्कार, आप देख रहे हैं 5:25 खबरें और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई से आपको दिखा दें जहां बीजेपी के सीएम चेहरे को एकनाथ ने समर्थन दिया है। बीजेपी का सीएम मुझे मंजूर है, ये बात उन्होंने कही। आगे कहा कि मुझे सीएम पद की लालसा नहीं है, पीएम मोदी और अमित शाह का फैसला मुझे पूरी तरीके से मंजूर है, ये बात उन्होंने कही। तो आपको बता दें कि जैसा कि लगातार चेहरे को लेकर लगातार कई कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। इसी बीच एकनाथ शिंदे का ये प्रतिक्रिया उनके सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी का सीएम मुझे मंजूर है। तो आगे उन्होंने कहा कि मुझे सीएम पद की लालसा नहीं है, पीएम मोदी और अमित शाह का फैसला मुझे पूरी तरीके से मंजूर है। मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचा महायुतीचा जो निर्णय मुख्यमंत्री बनवण्याचा घेतील त्याला पूर्णपणे शिवसेनेचं समर्थन आहे। और उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा का बुधवार को चौथा दिन रहा। योगी सरकार हिंसा में शामिल पत्थरबाजों से नुकसान की वसूली करेगी। जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनके पोस्टर क्षेत्र में लगाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस महकमे और गृह विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। मंत्री नितिन अग्रवाल ने पोस्ट करके यह जानकारी दी। एडीजी रमित शर्मा समेत सीनियर अफसर भी संभल में कैंप किए हुए हैं और समित ने कहा कि हिंसा के दौरान सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं। जिसके भी हाथ में पत्थर थे वह बख्शे नहीं जाएंगे। और चलिए अब बात कन्नौज में हुए भीषण सड़क हादसे की, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में डिवाइडर से टकराकर ट्रक से एक कार से भी टकरा गई है। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 घायल बताए जा रहे हैं। सभी मृतक सैफई मेडिकल कॉलेज में पीजी के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। और बंगाल की खाड़ी में फेंगन चक्रवाती तूफान उठा है जो 2 दिनों बाद तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। तूफान के चलते चेन्नई, चेंगलपेट, तिरुवल्लुरम, नागापट्टिनम सुबह से बारिश यहां पर हो रही है और बारिश की वजह से ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। चेन्नई में 7 फ्लाइट डिले हुई है, वहीं कुछ ट्रेन भी निर्धारित समय से लेट चल रही है। तिरुचरापल्ली के सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए और तूफान की वजह से 29 नवंबर तक 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। तूफान के असर को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बैठक ली और एनडीआरएफ की टीम को तैनात करने का आदेश दिया। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चेन्नई की तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि क्या हालात वहां के बने हुए हैं। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें तो टीम पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। कई जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं ताकि इस स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। चलिए तमिलनाडु के बाद अब रुक करते हैं पंजाब का और बात करेंगे पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने 850 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है। सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी का ये कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू द्वारा कैंसर के 4th स्टेज की बीमारी को 40 दिनों में मात देने का दावा किया है। सिद्धू ने यह दावा किया कि बिना एलोपैथी दवाओं के ही सिर्फ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर उनकी पत्नी ने कैंसर को मात दी है। सोसाइटी का यह कहना है कि कैंसर मरीजों को भ्रमित किया जा रहा है, जिसे सुनकर देश विदेश के कैंसर ग्रसित मरीजों में भ्रम और एलोपैथी मेडिसिन से उनका विश्वास उठता जा रहा है। और इसी बीच एक और खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, जहां पहलवान बजरंग पुनिया सस्पेंड हो गए हैं। आपको बता दें कि डोप टेस्ट के लिए नमूना ना देने पर उन्हें सस्पेंड किया गया। 4 साल के लिए सस्पेंड उन्हें किया गया और बजरंग पुनिया के खिलाफ एनएडीए का बड़ा एक्शन इसे कह सकते हैं। 4 साल तक विदेश में कोचिंग अब वो नहीं कर पाएंगे। ओलंपिक पदक विजेता है बजरंग पुनिया जिन पर यह कार्रवाई हुई है। और संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर हंगामा किया। 12 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो फिर हंगामा हुआ। विपक्ष ने यूपी के संभल में हिंसा का मुद्दा भी उठाया है और इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए, मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। You think that Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he is going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States, indicted in the United States
for thousands of crores, he should be in jail. तो लोकसभा की कार्रवाई के बाद अब रुख करते हैं शाजापुर का। इधर शाजापुर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। दरअसल एक दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शाजापुर निवासी रिश्तेदार के मकान दुकान को टपरा कहा था, जिससे यादव समाज में आक्रोश फैल गया। घटना के विरोध में यादव समाज ने आजाद चौक में जीतू पटवारी मुर्दाबाद के नारे लगाए और कोतवाली थाना प्रभारी संतोष बाघेला को एक शिकायती आवेदन सौंपा है। इस आवेदन में उन्होंने जीतू पटवारी से माफी मांगने को कहा और चेतावनी भी दी है कि दो दिन में जीतू पटवारी माफी नहीं मांगे तो मामले में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि शाजापुर निवासी रिश्तेदार के मकान दुकान को उन्होंने टपरा कहा था, जो यादव समाज के लिए अपमानजनक है। यहीं पर हमारा एक प्रतिष्ठान है, जो 60 वर्षों से हमारे पिताजी अंकल जी खून पसीने से मेहनत करके और 150 लोगों का परिवार निर्वाह करते हैं यहाँ पर। और इस प्रतिष्ठान के बारे में कल उन्होंने जो अपशब्द बोले हैं उनके खिलाफ हमने आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया गया। इधर बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट के स्टे पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 7.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, एक मसले के कारण स्टे लगा है, जल्द इस विषय पर हाईकोर्ट से निर्देश प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे। हाईकोर्ट से मैंने आग्रह करने के लिए कहा है, उनको भी अनुमति दे दिया जाए और साथ ही साथ सारी परीक्षा की प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ाई जाए। मैं सोचता हूँ कि शीघ्र ही इस विषय पर भी माननीय हाई कोर्ट से निर्देश प्राप्त करके और आगे बढ़ेंगे। और लंदन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्री स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन किया। यहाँ उन्होंने कहा कि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति की कई शाखाएं हैं, सनातन संस्कृति इन शाखाओं के माध्यम से पूरे विश्व में फैली हुई है। यह सनातन धर्म की सुंदरता है कि हमने 33 करोड़ देवी देवताओं की हर रूप में पूजा की है। हमारे अपने धर्म की विशेषता ये है, हमारी हिंदू सनातन संस्कृति की अलग अलग शाखाएं और हर शाखा से हमारे संस्कार दुनिया भर में फैलते हैं। इसी को हम मंदिर संस्कृति भी कहते हैं। सनातन धर्म की ये खूबसूरती है, हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं को हमने सभी रूप में पूजा माना और उनके बताए मार्ग पर चलना पूरे देश ने स्वीकार किया। मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, मध्य प्रदेश की धरती से लंदन में आकर के स्वामीनारायण मंदिर में भगवान का प्रणाम भी कर रहा हूँ, संतोष भी मिलता हूँ, उनका आशीर्वाद भी पाता हूँ। परमात्मा करे ये आजीवन इसी प्रकार का क्रम चलता है। और रायपुर दक्षिण सीट पर मिली जीत से भाजपा में उत्साह है। बीजेपी कांग्रेस पर हार के बाद तंज कसने का एक मौका नहीं छोड़ रही। छत्तीसगढ़ बीजेपी का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया, जहां उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि हार के बाद कांग्रेस में आपसी कलह मची हुई है, आपसी कलह अब सबके सामने आ गई है। महासमुंद में दीपक बैज के कार्यक्रम में कांग्रेसी नदारद रहे। इधर बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया, जहां कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस में कलह नहीं बल्कि बीजेपी में है, बीजेपी नेताओं को अपने चश्मे का नंबर बदलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया जो भी चला रहा है उन्हें अपने चश्मे का नंबर बदलवाना चाहिए। महासमुंद में पीसीसी अध्यक्ष जब गए थे हजारों की संख्या में युवा उनका स्वागत किए, बड़ी रैली निकाली गई, सारे वरिष्ठ नेता शामिल हुए, कहां पे कलह दिख रही? कलह तो भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है। और इंदौर में गजवाए हिंद का पोस्टर लगाने के आरोप का मामला कुछ दिनों पहले सामने आया था और इसके बाद अब भगवाए हिंद लिखे पोस्टर सामने आए हैं। इंदौर के इंद्रपुरी इलाके में हिंदू राष्ट्र संगठन ने ये पोस्टर घरों के बाहर लगाए हैं। इन पोस्टरों पर एक है तो सेफ है का नारा भी लिखा गया है, साथ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भी पोस्टर लगाए गए। लोगों ने यहाँ पर पोस्टर हाथ में लेकर एक है तो सेफ है के नारे भी लगाए और यह जागरूकता के लिए पोस्टर लगाए गए, ये भी उन्होंने कहा। गजवाए हिंद को समाप्त कर हम भगवाए हिंद लाना चाहते हैं। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं और ये मामला कुछ देर पहले आया था, लेकिन उसके बाद अब जो तस्वीरें सामने वो आप देख सकते हैं, जहां पर गजवाए हिंद नहीं बल्कि यहां पर कुछ और राष्ट्र चलेगा, ये बात यहां पर लिखी गई है। साथ ही भगवाए हिंद के पोस्टर यहां पर लगाए गए और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी कुछ पोस्टर यहां पर नजर आए।
तो पहली तस्वीर अगर आप देखें तो ये आज की तस्वीर है जो पोस्टर आज लगाए गए हैं, दूसरी तस्वीर और इस मामले के सामने आने के बाद, पोस्टर सामने आने के बाद इस पर कार्रवाई भी की गई थी और लगातार कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी। और भोपाल में रामनिवास रावत ने वीडी शर्मा से मुलाकात की है। विजयपुर में हार के बाद पहली बार वे बीजेपी कार्यालय पहुंचे। यहां दोनों के बीच बंद कमरे में करीब 20 मिनट बातचीत हुई है। वीडी शर्मा से मुलाकात के बाद रावत के सुर बदले। उन्होंने कहा कि चुनाव में सभी ने मदद की, किसी से कोई शिकायत नहीं है। वहीं अपनी हार पर उन्होंने कहा कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। समय और भाग्य से कोई नहीं जा सकता। जो व्यक्ति के भाग्य में होता है, समय साथ नहीं देता तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। और मध्य प्रदेश के कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्री गौतम टिटवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री गौतम टिटवाल ने अजान के लिए अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। ये वीडियो राजगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम का बताया जा रहा है। मंत्री जब कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तभी मस्जिद से नमाज की आवाज आई तो उन्होंने अपना भाषण रोक दिया और अजान पूरी होने के बाद वापस अपना भाषण शुरू किया। मंत्री का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब खबर बीजापुर से। यहाँ चार नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। विस्फोटक सामान के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई। पोंदुम के जंगल से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो चार नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही उनके पास से नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। और झांसी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा के दौरान युवाओं ने खतरनाक स्टंट किया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने युवा किलो की 3 लेयर की प्लेट पर लेट गए और पत्थर तुलवाया। बताया जा रहा है कि दमोह जिले के बद्री विश्वकर्मा की टीम ने यह खतरनाक स्टंट किया है। इधर भिंड के कुर्थर गांव का पंचायत भवन जन समस्याओं को सुनने के लिए बनाया गया था, लेकिन इन दिनों इस भवन में मुजरा हो रहा है। दरअसल जनपद पंचायत लाहार के अंतर्गत कुर्थर गांव आता है। यहां लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पंचायत भवन बनाया गया है, लेकिन आरोप यह है कि सरपंच का बेटा यहां डांस करने वाली लड़कियों को बुलाकर डांस करवा रहा है। आरोप तो ये भी है कि डांस के दौरान खूब जमकर शराब भी परोसी गई। अब इस डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं लोगों का ये कहना है कि पंचायत भवन में आए दिन ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन अब इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल उठने लाजमी है। अच्छा, इसी बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। यूरेशियन डेलीगेट्स धार के मांडवा पहुंचे हुए, तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। यूरेशियन डेलीगेट्स ने यहां पर पर्यटन नगरी देखी और डेलीगेट्स का भारतीय परंपरा से स्वागत किया गया है। डेलीगेट्स ने यहां पर जामा मस्जिद भी देखी। लाइट एंड साउंड शो में वो शामिल भी होंगे, जिसके लिए तैयारियां भी जोरों पर है। तो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर है और देखिए किस तरीके से भारतीय संस्कृति के साथ बाकायदा टीका लगाकर ऊपर चावल छिड़ाकर उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। साथ ही के नृत्य की बेहद खास सुंदर तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर ये तमाम जो कलाकार हैं वो उनके सामने प्रस्तुति देकर भारतीय नृत्य को प्रोत्साहन देते हुए और अपनी कलाकारी दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लाइट एंड साउंड का शो भी यहाँ पर होने वाला है, जिसका लुत्फ उठाते हुए भी ये मेहमान यहाँ नजर आए। IBC 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ यूरेशियन डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। धार के मांडव से IBC 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यूरेशियन डेलीगेट्स ने यहाँ पर पर्यटन नगरी देखी, यहाँ पर घूमे हैं वो। साथ ही डेलीगेट्स का भारतीय परंपरा से स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तिलक लगाकर उनका यहाँ पर स्वागत करते हुए ये महिलाएं नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि एक लाइट एंड साउंड का शो भी होगा, जिसमें भी ये डेलीगेट्स शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतलाम के दरगाह के पास से अतिक्रमण हटाया गया है। प्रशासन ने पहलवान बाबा की दरगाह का अतिक्रमण हटाया। पोले निर्माण में बाधक बन रहा था धार्मिक स्थल का, ये इस वजह से ये पूरी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने दरगाह छोड़कर आसपास का जो निर्माण है वो तोड़ा है। पुलिस बल की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई हुई।
और खबर अब गुना से, जहां फतेहगढ़ के पनेठी गांव में दो गुटों के विवाद के बाद एक गुट ने दूसरे गुट पे 12 घरों को आग के हवाले कर दिया। घर में मौजूद लोगों ने मौके से भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए और घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जिसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जंगल की जमीन को लेकर 1 नवम्बर को दो गुटों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों से एक एक शख्स घायल हुए थे। इलाज के दौरान एक समुदाय के व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने दूसरे समुदाय के 12 घरों को आग के हवाले कर दिया। दोनों पक्षों पर क्रॉस FIR कायम किया गया है, उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ, और बाकी है जो उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। आज जो घटना हुई है, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उसके कारण एक यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो गया था। पर्याप्त फोर्स लगाया जा चुका है, कानून व्यवस्था सामान्य है, जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर अंबिकापुर से, जहां युवक ने मार भाई पर एसिड फेंक दिया। युवक ने अपनी मार भाई पर यह हमला किया है। धान बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ था और एसिड अटैक में मार भाई झुलस गया है। जगदीशपुर इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है और बड़ी बेदर्दी से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद दोनों का इलाज जारी है। और देवास पुलिस ने 22 नवंबर को घर के बाहर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल कन्नौज इलाके में घर के बाहर नासिर अली नामक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच में खुलासा करते हुए बताया कि मृतक नासिर की बेटी सिमरन अपनी शादी के रिश्ते से खुश नहीं थी, वो कहीं और शादी करना चाहती थी, इसलिए माँ रुखसाना बी के साथ मिलकर दो आरोपियों विशाल और दीपक को मारने के लिए सुपारी दी। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बारीकी से जांच के आधार पर शूटर समेत 4 आरोपियों को पकड़ा है, जिसके बाद आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इधर राजधानी रायपुर में अज्ञात आरोपियों ने धारदार हथियार से युवक की हत्या कर उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया। मृतक रमेश MP के सीधी का रहने वाला था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। यह घटना मंदिर हसौ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। और शिवपुरी के इंदरगढ़ में सरपंच और उसके साथियों ने दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। दरअसल युवक नारद अपने मामा के घर आया था। वो मामा और नाना के निधन के बाद खेत में काम कर सहयोग करने अक्सर ही आता था। इस बार खेत में काम के दौरान उसके अपने खेत से बोरवेल की पाइप को हटा दिया। ये पाइपलाइन गांव के सरपंच पदम धाकड़ की थी। पाइपलाइन हटाने से सरपंच इतना गुस्सा आया कि उसने अपने भाई मोहन पाल धाकड़, बेटो अंकेश धाकड़ और जसवंत धाकड़ समेत दूसरे सहयोगियों के साथ दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। वही मामले को लेकर शिवपुरी पुलिस ने एक्सपोस्ट कर जानकारी देते हुए बताया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 4 फरार हैं। हमारी बोर है, वो जो हमारी खेत वगैरह है, हमारी नाना की बोर किसकी? आपकी है? तो हमारी मौसी की है। तो किसने निकाल दिए? भैया ने हमारे ना, इसलिए उन्होंने डंडों से पीट पीट के हत्या कर दी। इसका भाई अपने मामा के यहाँ आया हुआ था, नारद जाटा। उसकी पानी विवाद पर से कुछ लोगों ने मारपीट की, जो मेडिकल कॉलेज तक लेके गए, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। उसमें हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ में दो भीषण सड़क हादसों की तस्वीरें। तो पहली तस्वीर अंबिकापुर से, जहां खड़े ट्रैक्टर से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और एक महिला घायल है। वहीं महासमुंद में भी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 की मौत हो गई है, वहीं 2 गंभीर घायल हो गए हैं। तो 2 भीषण हादसे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि स्पीड पर नियंत्रण नहीं रखने की वजह से ये पूरे हादसे सामने आए और दोनों में ही कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी। इसलिए ABC24 एक बार फिर दर्शकों से अपील करता है कि स्पीड पर नियंत्रण बनाकर रखें। तो अंबिकापुर और महासमुंद की तस्वीर है। हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 घायल बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि फुटेज सामने है, फुटेज में कितनी स्पीड से बाइक आती हुई यहां पर टकरा जाती है, आप देख सकते हैं। और नर्मदापुरा में नितेश तिवारी नामक शख्स ने कुत्ते की मदद कर मिसाल पेश किया है। दरअसल नितेश तिवारी चाउमीन का ठेला लगाते हैं। 23 नवंबर को घर लौटते समय उनकी नजर घायल कुत्ते पर पड़ी। उन्हें उस पर दया आ गई और वे न सिर्फ उसे अपने साथ घर लेकर आए, बल्कि उसका इलाज भी करवाया। अब उन्होंने इस डॉग का नाम चिरंजीवी लाल रखा है और उसके लिए एक अलग घर बना दिया है। घर के चारों तरफ फ्लैक्स लगाकर चिरंजीवी लाल का घर लिख दिया है और घर के अंदर भी जूट का बोरा बिछा दिया और एक कंबल भी रखा है, जिससे कुत्ते को ठंड ना लगे। नितेश तिवारी का कुत्ते के प्रति लगाव दिखकर हर कोई अचरज में है और उनकी तारीफ कर रहा है।
हम क्रिकेट खेल के आए तो ये बहुत गंभीर हालत में, बहुत ज़्यादा सूजन थी इसके चेहरे पे, तो डॉक्टर को इलाज कराया, अकड़ रहा था ठंड से, ऐसा लगा कि ज़रूरी है इसको एक घर बना के देना, और दिया। और कहीं ना कहीं मैंने अपनी माँ को भी 3 महीने पहले खोया, किसी की तकलीफ में जान सकता हूँ, किसी की जान के लिए थोड़ी सी दिन मेहनत कर सकता हूँ, तो मैंने करी। और इसी के साथ 5:25 खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।